सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2450 से ज़्यादा खाली पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। 8वीं 10वीं 12वीं पास डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है वार्ड अटेंडेंट, ECG टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, फार्मेसिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, रेडियोग्राफर और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 2484 वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 8वीं 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर उनके पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। सैलरी आपको 18,000 से 56,100 के बीच में पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है BFUHS.ac.in। जॉब लोकेशन पंजाब है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, और पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड करा गया है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 से पहले सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।